के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। बिना हेलमेट लगाए घर जा रहे दो वर्दीधारी जवानों के साथ गाली गलौज करके वीडियो वायरल करने वाले दो अभियुक्त चढ़े क्राइम ब्रांच के हत्थे। मुख्य अभियुक्त सहित तीन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर। सीओ क्राइम प्रवीण सिंह ने किया खुलासा, कहा सरकार को बदनाम करने की थी साजिश। फरार अभियुक्तों की भी जल्द होगी गिरफ्तारी। कलयुगी भाई की करतूत, भाभी से अवैध संबंध को लेकर बड़े भाई को उतारा मौत के घाट। पत्नी ने देवर से मिलकर पति की हत्या का रचा षड्यंत्र। सीओ बासगांव नितेश सिंह ने किया खुलासा, दी जानकारी। योगी सरकार ने पूर्ण किया 2.5 साल का कार्यकाल। सदर सांसद रवि किशन ने की तारीफ, कहा प्रदेश के साथ साथ गोरखपुर भी विकास की ओर बढ़ा रहा है कदम। कस्टम विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई से तस्करों में मचा हड़कंप। बस्ती टोल प्लाजा से इंडोनेशियाई सुपारी की बड़ी खेप की बरामद। उपायुक्त कस्टम राकेश श्रीवास्तव ने किया मामले का खुलासा। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर चलाए जा रहे सेवा सप्ताह के अंतर्गत लगाया गया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। सांसद रवि किशन ने फीता काट कर किया शिविर का उद्घाटन, कहा जरूर कराएं अपना इलाज, नहीं बरतें लापरवाही। सिविल कोर्ट परिसर से मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण स्थानांतरित करने को लेकर वकीलों ने लगातार चौथे दिन न्यायिक कार्यों से विरत होकर किया धरना प्रदर्शन, कहा मांगे माने जाने तक धरना रहेगा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर चलाए जा रहे सेवा सप्ताह के अंतर्गत सांसद रवि किशन ने स्कूली छात्रों को दिलाया स्वच्छता का शपथ, गाया गीत, कहा आरएसएस की तरह करें अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारण, सफाई पर रखें विशेष ध्यान। बिना नक्शा और पार्किंग के कॉम्प्लेक्स तथा अतिक्रमण के खिलाफ चला जीडीए का अभियान, कहा बिना पार्किंग के दुकानों पर होगी कार्रवाई। राष्ट्रीय एकता अभियान के अंतर्गत सेवा सप्ताह के तहत दृष्टिहीन बच्चों को स्वतंत्र प्रभार मंत्री श्री राम चौहान ने बांटे उनके प्रयोग की जरूरी सामग्री। राष्ट्रीय सेवा योजना गोरखपुर विश्वविद्यालय के तत्वावधान में निकाली गई स्वच्छता जागरूकता रैली। छात्र छात्राओं को दिलाई गई स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने की शपथ। स्वच्छता सेवा सप्ताह के अंतर्गत चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत सांसद रवि किशन ने लगाया झाड़ू, किया पौधारोपण, कहा साफ सफाई पर रखें विशेष ध्यान, पर्यावरण को भी रखें शुद्ध। यानी रेलवे मजदूर यूनियन ने रेलवे के निजीकरण के विरोध में रैली निकाल कर दी चेतावनी, किया अंधाधुंध निजीकरण एवं निगमीकरण पर रोक लगाने की मांग। प्रोफेसर विजय भूषण गौड़ द्वारा लिखित पुस्तक भगवान चित्रगुप्त एवं कायस्थ का सदर सांसद ने किया विमोचन, कहा देश के विकास में कायस्थों का योगदान है सर्वोपरि। गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थापित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को मनाया जा रहा है एकात्मता सप्ताह के रूप में आयोजित की गई विचार गोष्ठी। और जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता में यंग बॉयज चरगावा और FC गोरखपुर पहुंची सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल मुकाबले 21 से।